प्रशिक्षित आतंकवादियों ने हमारे दो जवानों को शहीद किया और दो जवान जो है वो घायल हैं, उनको एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल के अंदर अंडर ट्रीटमेंट है। वो दो तीन महीने से लगातार, चाहे वो बसंतगढ़ है, चाहे वो डोडा किश्तवाड़ भद्रवाह का इलाका है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां जो है इन तीन चार महीनों में पड़ी है। अभी तक पहले भी हमारे जवान वहां पर शहीद हुए, कई घायल हुए, कई आतंकवादी भी हमारी सेना ने वहां पर मार गिराए हैं। अभी दो दिन पहले हमारी सेना ने वहां पर दो आतंकवादियों को मार गिराया और वो आतंकवादी एक डॉग के अंदर शरण लिए हुए थे। अब ये क्लियर हो गया, जो बार बार हम मांग करते हैं कि जो लोग इन आतंकवादियों को शह दे रहे हैं, जो लोग इन आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, उनको खाने पीने का हर चीज मुहैया करवा रहे हैं, सबसे पहले उनके फन कुचलने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा देश के दुश्मन वो लोग हैं। वो लोग इन आतंकवादियों को जो है बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग इन आतंकवादियों को जो है वारदातें करने की जो है वो उकसा रहे हैं। ऐसे लोगों का फन कुचलना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद जो पार्टियां मैनिफेस्टो लेके आई हैं, उनके अंदर भी देशद्रोही बातें, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। अरे गोली और बोली इकट्ठी नहीं हो सकती। एक तरफ पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ा रहा है और एक तरफ आप पाकिस्तान के साथ बातचीत की जाए, ये किस प्रकार की बातें जो है ये पार्टियां कर रही हैं? और क्या बातचीत करेंगे पाकिस्तान के साथ? क्या पाकिस्तान के आगे हमने घुटने टेकने हैं? क्या हमारी सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब जो है इस पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादियों को दे रही है? तो ऐसे मैनिफेस्टो लेकर देशद्रोही बातें करने बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और उन लोगों को जेल से छोड़ने की बात की जा रही है जो हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर पत्थर बरसाते थे, जो इन आतंकवादियों के मददगार थे। आज पूरे कश्मीर के अंदर सभी का मैनिफेस्टो एक, सभी की बातचीत एक, इससे पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों के मंसूबे और हौसले
जो है वो बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम इलेक्शन कमिश्नर से जो अपील करते हैं कि ऐसी पार्टियों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए जो देश के खिलाफ है, जो देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके मैनिफेस्टो के अंदर देशद्रोही बातें हैं, इनके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जाए और उन नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए जो इस प्रकार की बातें जो है वो सभाओं के अंदर कर रहे हैं, जो पीएसए हटाने की बात कर रहे हैं, जो आतंकवादियों को जेल से छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर खुला छोड़ना जो है देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डोडा में मोदी जी का दौरा चल रहा है, क्या लगता है? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा प्रस्तावित था, लोगों को डराने के लिए भी इस प्रकार की हमाकतें जो है वो पाकिस्तान पहले भी करता रहा है और कल भी उन्होंने की, जिसमें हमारे दो जवान शहीद हुए हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार से हमेशा मांग रही है कि खून का बदला खून से लेंगे, अगर हमारे जवानों का खून बहाए तो हम खून का बदला खून से लेंगे। अब सेना को LOC क्रॉस कर पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसकी सेना के सर दर्द से अलग करने का काम करना चाहिए, ये केंद्र सरकार को इस प्रकार के आदेश जो है वो सेना को देने चाहिए, ये मांग हम केंद्र सरकार से आई कर रहे हैं। पाकिस्तान।